ऐसे सेम यही मिसाल अल्लाह ताला की है। दो शर्त है, अल्लाह की इबादत करो एक हुक्म, वला तुशरिकु बिही शैया, उसके साथ उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं। आज पहले हुक्म को पूरा करने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे, अल्लाह की इबादत करो बहुत मिलेंगे आपको करने वाले, लेकिन दूसरा हुक्म पूरा ना करने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करो, ये ना करने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे। इबादत में अगर शिर्क मिल जाए इबादत बेकार हो जाती है। जब अल्लाह ताला ने पहले बता दिया और नबी को खिताब करके कहा, ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी अमल यानी नबी की भी नेकियां बर्बाद हो सकती हैं शिर्क से। आप बताइए, नबी को अल्लाह ताला ने खिताब करके सारी इंसानियत को बताया है, हमारे अगर अमल में शिर्क है तो क्या अल्लाह ताला हमारी नेकी कबूल करेगा? आज इंसानों की अक्सरियत इबादत में शिर्क कर रही है। इबादत किसको कहते हैं? इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने इबादत की तारीफ की है, डिफिनेशन बताया है, अल इबादतु इस्मुन जामिउन लिकुल्ल मा युहिब्बुहु अल्लाह व यरदाहु मिन अल अक्वाल वल अफआल अल ज़ाहिरा वल बातिना। कहते हैं इबादत हर वो चीज, हर वो काम अल्लाह जिसको पसंद करता है और जिससे राजी होता है, चाहे वो कौल से हो, कहने वाली बात हो, या करने वाला कोई काम हो, चाहे वो जाहिर हो या बातिन हो, छिपा रहने वाला हो, सब इबादत है। हर वो अमल जिसको अल्लाह पसंद करता हो, जिससे राजी होता हो, चाहे वो जबान से किया जाने वाला अमल हो या जबान के अलावा हाथ पैर बदन से किया जाने वाला अमल हो, चाहे वो जाहिर में हो या बातिन में हो, सब इबादत है। आज के इस दर्स में मैं इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि वो कौन कौन सी इबादत है जिसमें आज मुसलमानों की अक्सरियत इबादत तो कर रही है, अल्लाह का हुक्म पूरा कर रही है, लेकिन उस इबादत में अल्लाह को शरीक करने से बच नहीं रही है। तो ये इबादत इबादत नहीं है, अल्लाह इसको कबूल नहीं करेगा। क्योंकि अगर एक आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता, अल्लाह की इबादत कर रहा है, मस्जिद में आ रहा नमाज पढ़ रहा है, और दरगाह पे जाके बाबा का सजदा भी कर रहा है, वहां भी जाके उनसे कुछ मांग रहा है, तो आप बताइए कि यह आदमी अल्लाह की इबादत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। आदमी मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ के वहां भी जाकर के उनकी भी इबादत कर रहा है, उनसे मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून, ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। अल्लाह ताला ने फरमाया वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तुम इबादत नहीं करते हो जिसकी मैं करता हूं। अल्लाह ताला ने इनकार किया, हालांकि वो मक्का के मुशरिकीन अल्लाह को खालिक मानते थे, मालिक मानते थे और मुदब्बिर मानते थे, कब्रों और काबा का तवाफ करते थे, वो हज करते थे। अल्लाह ने उनकी इबादत को इबादत नहीं कहा, क्योंकि उनकी इबादत में शिर्क था। तो अल्लाह ने कहा वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तुम इबादत करते ही नहीं हो जिसकी मैं कर रहा हूं, तुम नहीं करते। ला आबुदु मा तअबुदून, मैं जिसे करता हूं तुम नहीं करते। अल्लाह ने उनकी इबादत को रद्द कर दिया। अगर एक आदमी आज इबादत कर रहा है, इबादत में गैर को भी शरीक कर रहा है, तो गोया ये अल्लाह की इबादत कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अल्लाह ऐसी इबादत कबूल नहीं करेगा। अल्लाह को ऐसी इबादत नहीं चाहिए, अल्लाह को खालिस। जब इबादत अल्लाह के साथ खास है, उसमें कोई शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह ने हुक्म दिया वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर, वला तुशरिकु बिही शैया, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना कर। कौन कौन सी बड़ी बड़ी इबादत है जिसमें आए लोग इबादत करते हैं लेकिन शरीक करते हैं, तो वो उनकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। नंबर एक, पहली इबादत जो बहुत बड़ी इबादत है जिसमें आज मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क कर रही है, दुआ मांगना, दुआ करना, क्या है ये? इबादत है।
क्या है दलील इसकी इबादत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू दाऊद तिर्मिजी की रिवायत है, अद्दुआ हुवल इबादा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुआ इबादत है। इस हदीस को शेख अल्बानी ने अपनी सैयद जामे उस्सगीर में जिक्र किया है और ये सही रिवायत है। दुआ क्या है? इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ इबादत है और अल्लाह ने हुक्म दिया وقال ربكم ادعوني استجب لكم, सूरह मोमिन की आयत है। وقال ربكم, और तेरे रब ने फरमाया, तेरे रब ने हुक्म दिया ادعوني استجب لكم, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। सूरह मोमिन यानी सूरह अल गाफिर, उसका नाम सूरह अल गाफिर भी है, मोमिन भी है। सूरह नंबर 60 आयत नंबर 40 अल्लाह फरमाता है तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, सुनूंगा। बलमाने का अस्तजीब लकुम, मैं कबूल करूंगा तुम्हारी पुकार को। अल्लाह का एक हुक्म है दुआ के बारे में, एक हुक्म और एक वादा, एक मुतालबा और एक वादा। मुझे पुकारो ये हुक्म है, मुझे पुकारो मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो ये हुक्म है। वादा क्या है? मैं कबूल करूंगा, मैं सुनूंगा। एक हुक्म एक वादा, अल्लाह का एक हुक्म अल्लाह का एक वादा, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा मैं कबूल करूंगा। तो दुआ मांगना अल्लाह के साथ खास है, क्यों? ये इबादत है। जब नबी ने फरमाया दुआ इबादत है और अल्लाह ने फरमाया हुक्म अल्लाह ने दिया मुझे पुकारो मैं सुनता हूं मैं कबूल करूंगा, अल्लाह का हुक्म है, तो जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह का हुक्म इबादत में आता है।